बेमेतरा में पहली बार फ्रेंडशिप ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। लगातार 8 दिनों तक चला मुकाबला, क्षेत्र के 32 टीमों ने लिया था हिस्सा। एक ही दिन में हुआ शानदार 3 मुकाबले, 2 सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबला। वहीं प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, जिला खेल अधिकारी नागेश्वर तिवारी, वार्ड पार्षद श्रीमती रानी डेनिम सेन ने किया, जहां अतिथियों ने फाइनल मुकाबले के विजेता टीम बेमेतरा 11 को 15,000 रुपए एवं चमचमाती ट्रॉफी समिति द्वारा प्रदत्त तथा उप विजेता आयोजक टीम फ्रेंडशिप 11 को 7,000 रुपए एवं चमचमाती ट्रॉफी चीकी दानी द्वारा प्रदत्त को प्रदान किए गए। साथ ही प्रतियोगिता के अन्य आकर्षक पुरस्कार भी खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। वहीं कलेक्टर एसपी ने प्रतियोगिता की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर यह एक अच्छा आयोजन है, हमेशा इस तरह का आयोजन इस मैदान में होते रहना चाहिए। खेल खेलने वाले खिलाड़ियों को मौसम का फर्क नहीं पड़ता, गर्मी के दिनों में यह आयोजन सराहनीय है। विजेता एवं उप विजेता दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैदान ये आज फैंस क्लब द्वारा और मंडी द्वारा यहाँ एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, जो बड़ा सौहार्दपूर्ण और अच्छा मैच रहा, और जिलाधीश महोदय भी हमारे आए हुए थे इसी में। तो इसी सिलसिले में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु हम आए हुए थे। मैं वो मैच का आनंद नहीं ले सका, अब जब भी कोई मैच होगा तो मैं भी मैच का आनंद लूँगा। जीत के बाद बहुत खुशी हो रही है। इस साल का हम लोग का ये 4th टूर्नामेंट है जिसको हम लोग जीते हैं बेमेतरा के अंतर्गत। बहुत ही मजा आ रहे हैं जीतने के बाद। जुन्नू भैया की कप्तानी में यह 4th टूर्नामेंट है और हमारे बहुत अच्छे हमारे कोच के रूप में भी अमित भैया भी हैं, हमारे बीच बॉलर भी है, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हमारे टीम में, बहुत अच्छे बैट्समैन है। क्रिकेट खेल के काफी इंजॉय करते हैं, इंजॉय के रूप में खेलते लगभग ज्यादा। आज का जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज की जीत का श्रेय सभी प्लेयरों को, 11 प्लेयरों को है, और खासकर हमारे जुनैद भैया को जो हमारे टीम के कप्तान है, वही कप्तान है। इसी कारण लगभग वो टीम को एक जोड़ के रखा गया, इस कारण हम लोग 4 टूर्नामेंट, इस साल का 4th टूर्नामेंट है जो अभी तक जीते हम लोग। टूर्नामेंट दिया इतनी गर्मी में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट खेलने को मिला हम लोग को, जिसमें सरवन भाई, राजा भाई का बहुत बड़ा योगदान था। इतने गर्मी में इतना काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट कराए और काफ़ी टीमों ने इसमें भाग लिया, और मनोरंजन बहुत ही चरम सीमा में थी, क्योंकि लगभग सभी मैच रोमांचक मैच हुआ, देखने को दर्शकों को मिला। काफ़ी खुश दर्शक इस टूर्नामेंट से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और ये टूर्नामेंट को देखते हुए अगले और सालों में इससे अच्छा टूर्नामेंट कराने की कोशिश करेंगे सरवन भाई और राजा भाई और उनकी फैंस क्लब। बस थोड़ी कमजोरी होगी हमारे बैटिंग लाइन पर, शुरू के दौर तो काफ़ी अच्छे गए, मगर हमारे बाद में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो पाई, जिसका कारण हम ये मैच हार चुके हैं। क्या लगता है इतने गर्मी में भी टूर्नामेंट खेले हैं आप लोग, कैसा अनुभव रहा है? यही तो इम्प्रूवमेंट है बल्लेबाज का, कितनी गर्मी में आप खड़े हो सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं खड़े होते। जो हमारे बड़े स्टार बल्लेबाज लोग हैं जो इंटरनेशनल के लिए खेलते हैं, उनको जाकर देखिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। कलेक्टर साहब भी लगभग पूरा मैच देखे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कलेक्टर साहब की स्पीच बहुत अच्छी थी, और ऐसे कलेक्टर शायद हमको दोबारा नहीं मिलेंगे बेमेतरा में। बेमेतरा से स्वर सिंह राजपूत, CG Vision TV।